निशान जी, आपकी फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक श्रमिक जो यही निकट के गांव का था, उसकी मृत्यु हो गई है। क्या मामला है पूरा? भैया, कल रात में जब प्लांट चल रहा था तो कन्वेयर के पास, जिसमें हमारी तरफ से पूरी सुरक्षा, फुल बॉडी और गार्ड, सारी चीज़ें थी वहाँ पर किसी कारणवश, ये बात हमें भी नहीं समझ में आई कि किस कारणवश वो वहाँ पर, उसका जाना हुआ, वो क्यों वहाँ पर बिना किसी भी सीनियर के प्रेजेंस में, या वहाँ पर जबकि कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं था कि आपको वहाँ पर जाके काम करवाना है, तरीके से बेल्ट बंद होना चाहिए था, अगर उसको कुछ करना भी था, तरीके गार्ड को उसने हटाकर उस किस तरीके से उसने उसके ऊपर, किस परिस्थिति में वो वहाँ गया। और ये बहुत ही दुखद है सबके लिए, हमारे लिए भी, यहाँ पर लोगों के लिए, परिजनों के लिए, सबके लिए। ये स्किल्ड लेबर था, अनस्किल्ड था, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे था कि डायरेक्ट आपका एम्प्लॉय था? डायरेक्ट आपका एम्प्लॉय था। तो इनको क्या ट्रेनिंग दी गई थी? ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के तहत ही मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, तो ये चीज़ बोला जाता है कि कभी भी सीनियर के गाइडेंस के बिना आपको मशीन के पास नहीं जाना है। आपको मशीन भी क्या था, बेल्ट थी, कभी भी कोई भी जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वहाँ पर, ठीक है, जैसे गार्ड्स लगे हुए हैं, सारी चीज़ें, आपको बेल्ट को बंद करना, ये जो भी, ये मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत बेसिक जानकारियाँ हैं, जो कि बेसिकली अगर जो बात करें, अगर आपकी फैक्ट्रीज में, तो सेफ्टी टूल्स उसने क्या पहने हुए थे? आपके द्वारा दिए गए जाते होंगे, तो उसके बाद भी हादसा हो जाना एक गंभीरता को नहीं दिखाता है? गंभीरता है, है। और इसी चीज़ को और समझने की ज़रूरत है कि इस तरीके की जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं, उसमें फिर और सचेत होने की ज़रूरत है। और जिन जिन चीज़ों, इतनी व्यवस्था के बाद भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये बहुत गंभीर चीज़ है। मतलब नेग्लिजेंशियल वर्क है? बिल्कुल है। किसका? बिल्कुल है। वहाँ पर जो भी आदमी किसी एक जन को पॉइंट करना, वहाँ पे जो आदमी काम कर रहे हैं, जो कि सीनियर हैं, जिनको गाइडलाइंस है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जिनकी सेफ्टी की सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी अगर ये चीज़ें हैं, नेगलिजेंस तो है।